इस कहानी में एक लड़की टपाटप फिल्मों में काम करती है और काम छोड़ने के बाद दो लड़के बेड से बांधकर उसकी खुदाई करते हैं और उसकी गुफा का नमकीन पानी पीते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम लूसी नाम की बंदी को देखते हैं जो गप्पा गप फिल्मों की एक फेमस एक्ट्रेस थी और उसने बहुत सारी पॉर्न फिल्मों में काम किया था, लेकिन आज एक इंटरव्यू में वो कहती है अब मैं ये काम छोड़ रही हूँ। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं एक पार्क में दो लड़के बैठे हुए थे जिसमें एक का नाम बेन था और दूसरे का नाम जिमी। ये दोनों अभी नए ही दोस्त बने थे और उनके बीच कुछ ही दिनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं जिमी के पड़ोस में लूसी नाम की बंदी रहने आती है और ये वही लड़की थी जिसने गप्पा गप वाली फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था। जिमी लूसी के पास उसका हालचाल पूछने के लिए आता रहता था क्योंकि इनके घर बिल्कुल पास में ही थे। इसके बाद हम देखते हैं जिमी के घर पर उसके फ्रेंड्स एंजॉय करने के लिए आते हैं और जिसमें उसका फ्रेंड्स बेन भी था और इन दोनों की लवर्स भी थी। फिर ये लोग जिमी के कमरे में जाते हैं जहाँ पर जिमी गिटार बजाने लगता है। इसके बाद जिमी की लवर विंडो के पास जाती है जहाँ पर वो लूसी को देखती है जो बिल्कुल नंगी बैठी हुई थी। इसके बाद वो सभी को विंडो के पास बुला लेती है। जब बेन लूसी को देखता है तब उसे लूसी का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो लैपटॉप पर सर्च करके पता लगा लेता है कि लूसी पहले एडल्ट फिल्मों में काम करती थी। लूसी के बारे में ये पता चलते ही जिमी की भी आंखें फट जाती हैं क्योंकि उसे लूसी के बारे में ये बात पता नहीं थी। बेन लूसी की कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है। इसके बाद ये सभी दोस्त मिलकर लूसी की फिल्में देखते हैं और अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं। अगले दिन बेन काइली नाम के लड़के को लूसी की फोटोज दिखाता है और उसे कहता है ये वही लड़की है जिसकी फिल्में देखकर तुम अपने आप को ठंडा करते हो, ये लड़की मेरे दोस्त के पड़ोस में रहती है। बेन एक गैराज में काम करता था और काइली गैराज ओनर माइक का छोटा भाई था। काइली थोड़ा दिमाग से पैदल था लेकिन वो लूसी की फिल्मों का दीवाना था। कुछ टाइम के बाद माइक वहाँ पर आता है और वो भी लूसी की फोटोज देखता है। बेन माइक को बताता है ये लड़की मेरे दोस्त के पड़ोस में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं लूसी जिमी के घर के बाहर आकर उसे आवाज लगाती है। जिमी खिड़की से बाहर देखता है तब लूसी कहती है मुझे घर के लिए थोड़ा सामान खरीदना है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। जिमी जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है। फिर ये लोग एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं जहाँ पर लूसी अपने लिए सामान खरीदने लगती है। उस स्टोर में काइली भी होता है और वो भी उसे देखकर उसकी फोटोज लेने लगता है। तभी जिमी आकर काइली का कैमरा लेता है। काइली के साथ उसका दोस्त मार्टिन भी था। मार्टिन भी उसके भाई के गैराज में काम करता था। मार्टिन काइली को संभालता है और फिर लूसी से कैमरा लेकर काइली को वापस दे देता है। इसके बाद लूसी और जिमी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी काइली मार्टिन को लूसी के बारे में सब कुछ बता देता है। मार्टिन को पता चलते ही वो लूसी को गालियाँ देने लगता है और फिर लूसी गुस्से में स्टोर से बाहर निकल जाती है। फिर जिमी बेन के पास आता है और वो उससे कहता है लूसी के बारे में सिर्फ हम दोनों को पता था लेकिन तुम्हारी वजह से काइली और अब मार्टिन को भी पता चल गया, तुम उसे बदनाम कर रहे हो। लेकिन जिमी की बातों का बेन पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर ये दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी माइक वहाँ पर आकर झगड़ा शांत कराता है और अब इन दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं लूसी और जिमी एक होटल में डिनर करने के लिए आते हैं क्योंकि आज इन दोनों का मूड ठीक नहीं था। दूसरी तरफ बेन काइली और मार्टिन कार से लूसी के घर की तरफ बढ़ रहे थे और माइक पहले से ही लूसी के घर के बाहर खड़ा था। फिर उन तीनों के वहाँ पर पहुँचते ही माइक घर के अंदर चलने के लिए कहता है और काइली कार में ही रुकता है। इसके बाद ये तीनों घर के अंदर घुस जाते हैं। एक्चुअल में ये लोग चोर थे। जब माइक को पता चला था लूसी फिल्मों में काम करती थी तभी उसने लूसी के घर में चोरी करने का प्लान बना लिया था। उसे लग रहा था लूसी के घर को लूट कर वो सभी माला माल हो जाएंगे, लेकिन काफी देर होने के बाद भी उन्हें घर में कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जिमी और लूसी भी डिनर करके वापस आ जाते हैं। कार में बैठा काइली उन्हें देख लेता है और वो अपने दोस्तों को अलर्ट करने के लिए कार का हॉर्न बजा देता है। कार का हॉर्न सुनकर जिमी को भी खतरे का एहसास हो जाता है और वो भी लूसी के साथ अंदर घर में जाता है जहाँ पर वो लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और लूसी को एक अलग कमरे में बांध देते हैं और जिमी को एक दूसरी जगह पर। इन लोगों को लूसी के घर में कुछ नहीं मिलता। तभी माइक कहता है लगता है लूसी ने अपना सारा पैसा बैंक में छुपा रखा है। कल सुबह हम जिमी को मारने की धमकी देकर लूसी का सारा पैसा बैंक से निकाल लेंगे। अगली सुबह माइक लूसी को अपने साथ लेकर जाता है और उससे बैंक के फॉर्म पर साइन करवाता है। बैंक का फॉर्म माइक को लूसी के घर में ही मिला था। लूसी जिमी को बचाने के लिए चुपचाप फॉर्म पर साइन कर देती है। इसके बाद वो एक ATM मशीन के पास कार रोकते हैं। इस मशीन में डेबिट कार्ड के साथ फॉर्म से भी पैसे निकाल सकते थे। एक्चुअल में लूसी के पास डेबिट कार्ड नहीं था। जब माइक फॉर्म को मशीन में डालता है तब लूसी के अकाउंट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था और मशीन एक दिन का वेट करने के लिए बोलती है। माइक का प्लान फेल हो चुका था। इसके बाद फिर वो लूसी को लेकर वापस चला जाता है। घर पर आने के बाद वो लूसी को फिर से बेडरूम में
बांध देता है और अपने लोगों को बताकर कहता है हमें एक दिन और इंतजार करना होगा। तभी बेन कहता है जिमी की मॉम उसे रोज फोन करती है, अगर उसने एक दिन जिमी से बात नहीं की तब वो पुलिस को भी बता सकती है। इसके बाद माइक जिमी से कहता है तुम्हारा फोन कहाँ है। तब जिमी कहता है मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास लैंडलाइन है। तब माइक उसे घर पर लेकर जाता है और जिमी अपनी मॉम से बात करता है। तभी वहाँ पर जिमी की गर्लफ्रेंड मैंडी आती है और वो बाहर से खड़े होकर आवाज लगाने लगती है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैंडी वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ से मार्टिन आकर उसे पकड़ लेता है और फिर वो अचानक से गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद बेन और माइक मैंडी को लेकर जिमी के घर के अंदर आते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो कभी भी मर सकती थी। माइक ने जिमी को भी एक चेयर से बांधा हुआ था जिससे जिमी भागने की कोशिश ना कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्टिन और बेन पूरी रात लूसी की खुदाई करते हैं और उसकी गुफा का नमकीन पानी पीते हैं। अगली सुबह माइक फिर से लूसी को बैंक मशीन लेकर जाता है और मार्टिन जिमी के लिए खाना लेकर आता है। जिमी ने अपनी पॉकेट में एक कटर छुपा रखा था। जब वो यहाँ पर फोन करने के लिए आया था तब उसने मौका देखकर वो कटर अपनी पॉकेट में छुपा लिया था। मार्टिन जैसे ही जिमी के पास आता है जिमी कटर निकाल कर मार्टिन का गला काट देता है और एक हथौड़ी लेकर उसके सिर पर तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। दूसरी तरफ बैंक मशीन फिर से एक दिन का वेट करने के लिए कहती है। इसके बाद माइकल लूसी को लेकर घर की तरफ निकलने लगता है। इधर जिमी मैंडी की सांसें चेक करता है और मैंडी मर चुकी थी। अब जिमी गुस्से से पागल हो गया था और वहां से भागता नहीं है, अब उसे बदला चाहिए था। फिर वो एक आरी उठाकर मार्टिन का सिर धड़ से अलग कर देता है। काइली लूसी के घर में खाली बैठा हुआ टीवी देख रहा था और एक दूसरे कमरे में बेन माइक का आने का इंतजार कर रहा था। अगले सीन में काइली के पास जिमी आता है। जिमी के हाथ में मार्टिन का सिर था और वो काइली के सामने फेंकता है और काइली के सर पर मारकर उसे जख्मी कर देता है। कुछ टाइम के बाद माइक और लूसी घर पर पहुंच गए थे। इधर जिमी ने बेन को भी मार दिया था। जैसे ही घर के अंदर माइक और लूसी आते हैं, काइली के हाथों में मार्टिन का सिर देखकर माइक चौंक जाता है। तभी मौका देखकर लूसी वहां से भागने लगती है और माइक उसके पीछे भागता है। लूसी भाग रही थी और माइक कार से उसका पीछा कर रहा था। लूसी को बचाने के लिए जिमी भी घर से बाहर आ गया था और वो लूसी को बचाने के लिए माइक की कार पर हथौड़ा फेंक कर मारता है। माइक गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाता और एक पोल से गाड़ी टकरा जाती है। इसके बाद जिमी वहां आकर माइक को भी मार देता है। फिर लूसी अपने घर जाती है जहां पर काइली अकेला बचा था और वो लूसी को देखकर छुप गया था। फिर लूसी उसे स्विमिंग पूल में गिरा देती है और वहीं पर उसे जान से मार देती है। लास्ट में लूसी और जिमी जिंदा बच गए थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।